अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार सिंधी बिरयानी। उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, सबसे पहले चिकन 1 kg, राइस 1.25 kg के करीब है, 1 kg यानी कि 6 cup, अनियन 6 नॉर्मल साइज की मैंने चॉप करके रखी है, आलू पोटैटो 4 बड़े साइज के आलू हैं जिनको मैंने बॉईल करके और रंग जो होता है फूड कलर ऑरेंज कलर जो है उसमें करके, और एक आलू में से 4 हिस्से करके, बड़े आलू हैं इसलिए इनको, और 10 से 12 साबित मोटी वाली हरी मिर्चें, जर्दे का रंग। उसके अलावा सूखे मसाले में जायफल जावित्री का पाउडर, बे लीफ, उसके साथ साथ टर्मेरिक, हल्दी 1 teaspoon, रेड चिली 1 teaspoon, सफ़ेद ज़ीरा 1 teaspoon, होल गरम मसाले में है दालचीनी है, साबित बड़ी इलायची है, और उसके साथ काली मिर्ची हैं 4 से 8 काली मिर्ची हैं। तकरीबन ये 1 tablespoon या 1 teaspoon के करीब आपका होल गरम मसाला हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये है सिंधी बिरयानी मसाला, इसको 4 teaspoon जो है ये 4 teaspoon जाएगा। चिकन पाउडर 2 teaspoon, दही 4, या दही को आप इस तरह करें कि आप 1 cup से आधा कप ज़्यादा ले लीजिए, तकरीबन ये आधा किलो के करीब हो जाता है, 1/2 kg के करीब। लहसुन अदरक 4 बड़े चम्मच, जूलियन कटा हुआ जिंजर है, ये बाद में तेहों में इस्तेमाल होगा, ऑयल और ये केवड़ा एसेंस है, पानी थोड़ा सा। अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ जाते हैं, जो चिकन को हमें 1/2 hour के लिए कुछ मसालों के साथ मैरिनेट करना होगा। चले आइए अब हम मैरिनेशन की तरफ आते हैं। चले अब हम आते हैं मैरिनेशन की तरफ। इसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले दही हमने डाला, इसमें हम डालते हैं रेड चिली, हल्दी, नमक में पहले आपको बताना भूल गई थी, नमक तकरीबन 2 जो है चाय के चम्मच, बाकी ये जो ये है ये हम दूसरे मसाले में फ्राई करेंगे। इसके अलावा ये बिरयानी मसाला है, इसमें ये आप देख रहे हैं इसमें आलू बुखारे भी नहीं आ रहे हैं। अगर आप मसाला ज़्यादा खाते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ा कम, क्योंकि चावलों के हिसाब से तो मैंने डाल दी ज़्यादा। अब ये 4 जो है लहसुन अदरक के बड़े वाले चम्मच हैं, ये जाएगा इसमें, चिकन पाउडर ये 2 teaspoon है, इससे टेस्ट आ जाता है ज़्यादा अच्छा, ये जल्दी करेंगे ये हम थोड़ा सा इसके कलर के लिए डालेंगे, तकरीबन हमने 1 चाय का चम्मच डाला है। मसालों को सबको एक यकजान कर दें, एक तरफ सब तरफ मिक्स कर लें इसको, ताकि जब हम चिकन के पीसेस में ये मसाला मिलाएं तो सब तरफ सारे मसाले मिले हुए हों, और हम इनको मिला के मैरिनेशन के लिए 1/2 hour के लिए छोड़ दें। हो गया हमारा बैटर, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो 1/2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे।
याद रहे कि आलूओं को मैंने पहले ही बॉईल करके जर्दी के रंग में बॉईल करके रख लिया। जर्दे का रंग हमने इसलिए ऐड किया है, चाहे तो आप ना करें, नहीं डालें, लेकिन इससे कलर अच्छा आ जाता है। जो आप मार्केट में देखते हैं कि कलर बहुत कलरफुल बिरयानी होती है बहुत ज़्यादा ना। इसको हमने रख दिया है, अब हम इसको रख देंगे हाफ एन आवर के लिए। और उसके बाद अब हम आते हैं चावलों की तरफ कि इसके चावलों को बॉईल किस तरीके से करना है और कितना पानी रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। चने पर अब हम पानी बॉईल करते हैं चावलों को रखते हैं। अब हम ये हमने पतीला चढ़ा दिया है बिरयानी के चावलों को उबालने के लिए, जिसमें मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी डाला है। यानी कि आप देख रहे हैं पतीला मैंने इतना जो है बड़ा वाला पतीला है, इसमें मैंने इतना। अब इसमें मैं डालूँगी नमक 2 टेबल स्पून डालूँगी, क्योंकि ये ड्रेन आउट हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ये बे लीफ डाल देंगे, दालचीनी और थोड़ा सा ये जो हमने सूखा गरम मसाला रखा था ये डाल। अब हम इसको तकरीबन जब तक ये बॉईल आ जाएगा इसके अंदर, बॉईल आने तक इसको छोड़ देंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल के बॉईल करेंगे। चले, अब ये हमारा पानी हो गया है चावलों का, अब हम इसमें चावल डाल दें। ये भिगोए हुए थे मैंने पहले से चावल, एहतियात से डालें। ये तकरीबन 1 किलो कहते हैं कि 1 किलो तकरीबन 1 से 1.5 किलो बिरयानी बन जाएगी। ज़्यादा आपके लोग आए, मेहमान आए या इतने अफराद हों, कम से कम 7 अफराद ये बिरयानी खा सकते हैं, 7 से 8 अफराद इतनी बिरयानी आराम से बन जाएगी ज़्यादा। ठीक है, ये अब हमने इसमें डाल दिया है। अब ये चावल इसमें बस जब 1 कनी रह जाएगी, 1 कनी उसे कहते हैं कि थोड़ा सा चावल कच्चा रह जाएगा, तो हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। तो अभी जब तक हम इसको पकाते हैं, जब तक इसमें 1 कनी रह जाए, अभी इसको बीच में चम्मच चला के देखते रहें चावलों को, कहीं ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। बस सिर्फ 1 कनी हमें चावलों को बॉयल करना है, अभी कच्चे हैं, अभी इसमें टाइम लगेगा। इसको चलाते रहें आप और चावल को चेक करते रहें, कहीं ऐसा ना हो चावल ज़्यादा बॉयल नहीं करें। चावल को 1 कनी कच्चा रखना होता है, क्योंकि फिर हमें बाद में जब बिरयानी के साथ दम करने होते हैं, यखनी डालनी होती है, तो उसमें भी तो चावल पकते हैं ना, तो इसलिए हम 1 कनी कच्चा रखते हैं, 1 कनी छोड़ देते हैं। 1 कनी उसे कहते हैं पूरा चावल पक गया और उसमें आधा चावल कच्चा है, वो बाद में यखनी और दम के साथ, दम में अच्छे खासे टाइम में वो चावल बॉयल हो जाते हैं अच्छे तरीके से। चले चले, अब ये चावल हो चुके हैं। देखें इसको चेक करने का तरीका, ये हमने चेक किया, थोड़ा सा देखें कच्चा है और थोड़ा पक्का है। चूल्हा बंद कर देंगे और मैं इसको ड्रेन आउट कर दूंगी, ड्रेन आउट करके आपको दिखाती हूँ, आगे मसाले की तरफ आएंगे। चले, अब ये आधा घंटा हमने इसको रख दिया था मैरिनेशन के लिए, ये हो चुके हैं। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। चले, चावल ड्रेन आउट हो चुके हैं नॉर्मल फ्लेम पे, तकरीबन 2 कप ऑयल, इसलिए ऑयल ज़्यादा डाल रहे हैं 2 कप, क्योंकि चावल जब हम तह पे लगाएंगे तो उसमें जो चावलों के बराबर हमें ऑयल पूरे भी सही जायका आए चावल का, कम ऑयल होंगे तो सूखे फंकी चावल बन जाएंगे। हम इसमें हम डाल देंगे और ये डालेंगे इसमें थोड़ा सा जो गरम मसाला हमने बचाया था, थोड़ा सा इसको बस 2 मिनट के लिए कि इसकी खुशबू आ जाए। हम इसको यखनी तैयार कर रहे हैं जिसे मसाला कहते हैं।
अब ये हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे इसको। फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर लें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। ये हो गई है, आप देखें लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको आधी में निकाल लूँगी, आधी में निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये इसके जो भगार होगा उसमें डालना होगा और बाकी मैं मसाले के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, आधी मैंने निकाल ली। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो मसाला जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, मैं आधे घंटे हो चुका था। अब हमने इसको मसाले को भूनना है बस इतना कि ये इसका जो दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अगर ज़रूरत थोड़ी सी मीडियम फ्लेम कर दें इसको, क्योंकि अब इसको हमें खुश्क करना है। इसका जो थोड़ा सा ये दही का जो पानी है निकलेगा, अभी चिकन का पानी निकलेगा थोड़ी देर में, तो ये थोड़ा सा खुश्क करना है, इसको भूनना है मसाले को। और उसके बाद में हमारे चावल तो वैसे ही दम वो हमने ड्रेन आउट कर लिए थे, बॉईल कर लिए थे, फिर हम इसको तहें लगाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा ड्राई होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़े टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे वो ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि तहों में जब हम डालते हैं ना और अब बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें ये पक जाए तो अच्छा है। इसको जूस भी डाल दीजिए, इसको भून लें अच्छे तरीके से। ये मसाला यकजान हो जाए बिल्कुल और पानी इसको खुश्क हो जाएगा बस। बस अब हम इसको खुश्क होने तक पकाएंगे, ढक्कन ढक देंगे अभी हम इसका। अब ये हमारा मसाला देखें काफ़ी भून गए हैं और ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ये जो आलू हमने बॉईल किए थे वो मिला देंगे, डाल देंगे। चाहें तो तहे में डाल दें लेकिन इसमें मसाला भी आ जाएगा। ये इसमें मसाला बिल्कुल रच मिस जाए, इसलिए आलू अब आप देखें दोनों का कलर सेम है, मसाले का और आलू हमने पहले इसलिए गला लिए क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाते हैं और आलू हमारे देर से गलते हैं। ठीक है, अब ये चूल्हा बंद करने से पहले हम इसमें जो हमने बिरयानी में हरी मिर्ची डाली थी साबित, अगर आप ज़्यादा तेज खाते हैं तो आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको ये हमने हरी मिर्ची डाल दी इसको। अब हम इसमें चूल्हा इसका बंद कर सकते हैं, थोड़ा इसको मिक्स कर दें। अब हम इसकी तहों की साइड पर आ जाते हैं, बस अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे हम और इसको अलग उतार के रख देंगे और तहों का पतीला निकालेंगे जिसमें हम अलग बर्तन में तहें लगाएंगे। ये मैंने अब साइड में रख दिया आपने देखा। अब हम दूसरा पतीला यहाँ चढ़ाएंगे, खुला बर्तन थोड़ा बड़ा पतीला, क्योंकि चावलों को मैंने हमेशा बताया है आपको कि चावल ज़रा बड़े पतीले में पकाते हैं क्योंकि फिर वो दबे ना। अब सबसे पहले हम इसमें ये डालेंगे यखनी, जो हमने मसाला जो बना के रखा है सबसे पहले ये डालेंगे। ये सबसे पहले चावल से पहले हम सालन इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे चावल पतीले के अंदर नहीं लगे लगे ना, वरना आमतौर पर अगर हम सबसे पहले तहों में चावल डाल देते हैं तो इससे होता ये है कि हमारे चावल लग जाते हैं। अब देखिए ये हमने चावल डाले, हल्की फ्लेम कर दी है बिल्कुल चूल्हे की। आधे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं, सबसे पहले हमने सालन डाला था फिर आधे चावल डाले फिर
फिर हम इसमें दोबारा से ये सालन डालेंगे जो मसाला यखनी बनाई है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार मसाले वाली बिरयानी होगी, इसलिए हम इसमें बस ये तह डालने का ये स्टाइल है। सबसे ऊपर वाली तह में हम जो है वो बाकी चीज़ें डालेंगे जो हमने जिंजर करके रखी थी। ये हम इसमें सबसे ऊपर वाली तह है, इसमें हमने पुदीना और हरा धनिया इसको सबसे ऊपर डाल देंगे। जिंजर जो जूलियन काट के रखी थी हमने ये डाल देंगे इसमें। प्याज सबसे ऊपर जो हमने रखी थी ये वाली, ये हम प्याज पूरी डाल देंगे। लेमन हमने दो इसमें काट के डाल देंगे। ये सबसे ऊपर वाली तह बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसको ज़रा ध्यान में रखिए। और ये जो हमने जायफल जावित्री डाला था, अब इस पर मैं थोड़ी सी जगह बना रही हूँ क्योंकि आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैं डालती हूँ थोड़ा जर्दे का रंग और फूड कलर ऑरेंज कलर का, इससे हमारी कलरफुल बिरयानी है। इसमें हमने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऊपर, अब हम इसको बंद कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे। अच्छा, इसमें हम कपड़ा भी लगा सकते हैं सबसे ऊपर क्योंकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। हम सबसे पहले ये रखेंगे अखबार या कपड़ा, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। चाहें तो आप इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पे नीचे तवा भी लगा लेते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइट कम फ्लेम पे हमने इसको दम के लिए रख दिया। इस पर कोई भी वजनी चीज़ रख सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या कपड़ा लगा सकते हैं। अब इसको हम 10 से 15 मिनट दम देंगे और फिर हम बिरयानी अपनी डिश आउट करेंगे। चलें, अब मैं 15 मिनट के बाद आई हूँ चावलों को देखने, दम पे आ गए हैं, इसकी खुशबू आ रही थी मुझे। अब इनको मिक्स करेंगे। ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाना आप लोग, वरना इसका चावल टूटने का खतरा भी हो जाता है ना। बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए कलर, बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखें, अब ये तैयार हो गई है हमारी मसालेदार सिंधी बिरयानी। आप लोग देखें इसका कलर कितना अच्छा है। और ये दही मैंने जो है एक कप दही में वही चटनी, ग्रीन चटनी मिला के रायता भी तैयार कर लिया। रायते के साथ सर्व करें, चाहे तो आप इसको सलाद भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई करें, बहुत ही ईजी तरीके से है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट ज़रूर मुनफरद होगा। आप लोग खाएँ इसको और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा पसंद आती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।